तो यहाँ पे आपने देखा कि दिस इज द न्यू लाइन लाइन फोर एंड दिस इज़ लाइन थ्री राइट लेट्स एक काम करता है उसको लाइन वन लाइन टू नाम देख के अगेन एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं देन वी आर गोइंग टू चेंज द मोड ओके नाउ इन साइड दिस डेटा वन डॉ टी वी हैव लाइन वन लाइन टू तो अब अगर मुझे ये डेटा नहीं हटाना है एंड आई ऑल्सो वांट टू राइट लाइन थ्री एंड लाइन फोर बट इन दैट केस तो मैं यहाँ से लेशन डाल देता हूँ फॉर न्यू लाइन ताकि जो भी आपका डेटा है वो आपका नई लाइन के अंदर आए ओके एंड देन यहाँ पे अगर हम अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो पुरानी लाइन हट जाएंगी यहाँ पे जो वन और टू है ये हट जाएंगी लेकिन अगर आपको पुराना डेटा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू यू कैन जस्ट यूज़ ए दैट इज़ फॉर अपेंट ओके जिसको एंड रन इट अब अब अगर आप अ, इस डे डेट टी एस टी में देखोगे यू कैन सी लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर दैट मीन्स आपका पुराना डेटा वहीं का वहीं है और उसमें नया डेटा भी आपका ऐड हो गया सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग यू नो द अपेंड फंक्शन तो जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तीन फंक्शन I mean, हमारे पास में अवेलेबल है आई मीन तीन मोड ही हमारे पास में अवेलेबल है इसके अलावा हमारे पास में कुछ और मोड भी हैं तो एक काम करता हूँ मैं सबकी यू नो डेफिनेशन पे लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली exactly हर एक मोड करता क्या है तो राइट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट आर राइट वी ऑल्सो हैव टॉकड अबाउट डब्ल्यू वी ऑल्सो हैव टॉक्ड अबाउट अपेंड राइट वी ऑल्सो हैव टॉक्ड अबाउट नाव इसके अलावा हमने किसी वर्चिश की बात नहीं की तो देर इज अनदर मोड कॉल्ड आर प्लस देन यू ऑल्सो हैव डब्ल्यू प्लस देन यू ऑल्सो हैव ए प्लस ओके तो अगर आपको नोट करनी हो मैं अभी डेफिनेशन एक ही करके बता देता हूँ यू कैन नोट इट समेयर अदरवाइज वैसे आप एक कोई गूगल सर्च से सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो राइट right? इसमें कोई इशू भी नहीं है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके इस आर मोड की तो यहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी एरर आती है राइट right? और आप सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हो डब्ल्यू मोड में आप क्या कर सकते हो कि भाई आप सिर्फ फाइल को राइट कर सकते हो आप रीड नहीं कर सकते अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाती है सिंपल राइट देन ए में क्या होता है कि आपकी फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे कुछ डेटा आपके पास में अवेलेबल है इन दिस केस वट हैपन्स इज़ कि अगर आपका डेटा ऑलरेडी कुछ है तो वो उसको नहीं हटाएगा जबकि डब्ल्यू आपका पुराने डेटा को रिमूव कर देता है राइट right? ए आपका उस डेटा को नहीं हटाएगा उसके साथ में ही आपका जो भी नेक्स्ट डेटा आप लिखोगे उसको वहाँ पे अपेंड कर देगा ओके okay, जी देन यू हैव दिस आर प्लस तो बेसिकली यहाँ पे आपका फाइल का होना जरूरी है अदरवाइज एरर आ जाती है कि आपके अगर फाइल है उसको अपडेट कर रहे हो वो वहाँ पे होनी जरूरी है ओके okay? लेकिन प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप रीड के साथ साथ में राइट भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि आपकी फाइल हमेशा वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो आप अलग अलग रीड राइट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है एफ के राइट यू कैन जस्ट गो एड जिसकी मे सेकेंड ये कहाँ से है भाई लेट मी रिमूव देम ओके तो आप रीड और राइट दोनों इस आर प्लस से कर सकते हो बस आपको एक ही चीज़ में एक्श्योर करनी है कि आपका जो फाइल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए डब्ल्यू प्लस अगेन इज़ सेम कि आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको फ़ाइल हमेशा चाहिए चाहिए लेकिन डब्ल्यू प्लस में अगर फाइल नहीं होती है तो उसको क्रिएट कर लेता है बट आप रीड राइट दोनों कर सकते हो ठीक है इन दी एंड अपेंड में क्या होता है कि अगर आपको अपेंड के साथ साथ रीड भी करना है तो ऑलवेज यूज़ ए प्लस ठीक है जी तो ये आपके छह मोड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फाइल्स के साथ में एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के साथ में ठीक है सर तो आई थिंक या दिस वाज ऑल अबाउट द मोड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करना या लाइन बाय लाइन डेटा को राइट करना तो वो हम कैसे करेंगे सो सी इन द नेक्स्ट बाय